नमस्कार, मैं पूनम शर्मा तत्काल टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नजर डालते हैं इंदौर के आज के मुख्य खबरों पर। पातलपानी के फार्म हाउस में हादसा, 70 फीट ऊंचे टावर से कैप्सूल लिफ्ट नीचे गिरी। पाथ इंडिया के मालिक उद्योगपति पुनीत अग्रवाल समेत 6 लोगों की मौत। खजराना गणेश और बाबा महाकाल के दर्शन को उमड़े भक्त। रात 12 बजते ही शुरू हुआ जश्न, मंदिर में गूंजा हर हर महादेव। नया साल मनाने सैकड़ों पर्यटक पहुंचे, उत्सव के लिए दुल्हन सा सजा मांडू, सभी होटलें हुई बुक। वैष्णव पॉलिटेक्निक शिक्षक संघ के अध्यक्ष निलंबित, संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप। सड़क के काम में देरी पर निगमायुक्त ने ठेकेदार कंपनी को लगाई फटकार। इंदौर की 15 हाउसिंग सोसाइटी में फरवरी मध्य तक 2500 भूखंड बांटने की तैयारी हुई। बीएड के रिव्यू रिजल्ट पर परीक्षा समिति ने ली आपत्ति, 15 दिन बाद जारी होगा रिजल्ट। डीएबी में धारा 52 लगने के बाद 5 महीने बाद नेक से मिला A+ का तमगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिए इंदौर फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में देश भर में नंबर 1, चौथी बार खिताब के लिए बस एक कदम दूरी पर। 8 सीटर मैजिक में बिठा रखे थे 20 स्कूली बच्चे, मासूम बोले पेरेंट्स को बताया पर वो भी नहीं सुनते। धोखाधड़ी के आरोपित टोंगिया ने जो फ्लैट बेचे उन्हें गिरवी रखकर लिया करोड़ों का लोन। 2 बार गर्भपात होने से दुखी महिला खुड़ैल निवासी ने जान ली। वित्त वर्ष के आखिरी दिन निगम खाते में आए 17 करोड़ से ज्यादा। साल के आखिरी दिन आयकर सर्वे, 1.25 करोड़ की TDS चोरी पकड़ी। अब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।